नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमलेंद्र और आप देख रहे हैं बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ रजिस्ट्रेशन नंबर 25/65/11। दोस्तों, ये चैनल आपका है और इस चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के लिए प्रशिक्षित शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का रिजल्ट आ चुका है। TET में 37,151 छात्र छात्राएं पास हुए हैं। अगर इन सभी की बहाली हो जाती है तो भी प्रदेश के शिक्षकों के 48,000 पद खाली रह जाएंगे। वर्तमान में पुरानी नियुक्ति प्रक्रिया के 85,000 पद रिक्त हैं। नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने से पहले फिर से पदों का आकलन किया जाएगा, जिसमें स्वीकृत पदों की संख्या 1.5 लाख के करीब होने की संभावना है। नई बहाली प्रक्रिया नियोजन इकाई के अंतर्गत हो या फिर सभी जिलों में सेंट्रलाइज किया जाए, इस पर विभाग फिर विचार करेगा। प्रदेश में पहली बार 2011 में TET हुई थी, जिसमें ट्रेंड होने की बाध्यता नहीं थी। प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित मिलाकर प्रारंभिक स्कूलों में 1.21 लाख अभ्यर्थी क्वालिफाई किए थे। 2012-16 तक 1.63 लाख पदों पर चली बहाली प्रक्रिया में 78,000 पदों पर ही शिक्षक बहाल किए गए, बाकी 85,000 पद अभी भी खाली हैं। बिहार शिक्षा परियोजना के आंकड़े के अनुसार प्रदेश में 52 बच्चे पर एक शिक्षक हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 40 बच्चों पर एक शिक्षक का है। राष्ट्रीय औसत को लक्ष्य में लेकर शिक्षकों की बहाली की गई तो प्रदेश में और 1.5 लाख शिक्षकों की जरूरत होगी। वर्तमान में 71,871 प्रारंभिक स्कूलों में 3.23 लाख नियोजित शिक्षक काम कर रहे हैं। इनमें से करीब 45,000 अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, जिन्हें NIOS के अंतर्गत 18 महीने की ट्रेनिंग देने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है और मार्च 2019 से पहले उन्हें प्रशिक्षित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपने समझ लिया कि बिहार प्रशिक्षित शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में जितने भी अभ्यर्थी पास हुए हैं, अगर उन सभी को नौकरी मिल भी जाती है तो भी बिहार में 48,000 पद खाली रह जाएंगे। इसका मतलब यह है कि TET की बहाली अगले वर्ष भी होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो ये बिहार सरकार की लापरवाही ही होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।